Assalamualaikum, my dear viewers. Welcome to Nigina Khan's Kitchen. Please subscribe to my channel, thumbs up and share my videos. आज की मेरी रेसिपी इटालियन पिज्ज़ा की है. इटालियन में इस पिज्ज़ा को टोनो ए चिपोला कहते हैं, जो ट्यूना फिश और ओनियन से बनता है. ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है. पहले मैं पिज्ज़ा डो बना लूँगी. 500 ग्राम आटा ले रही हूँ, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 कप पानी, 3 टेबलस्पून ओलिव ऑयल, 1 टेबलस्पून ईस्ट, 1 कप पानी में चीनी और ईस्ट डालकर 5 मिनट तक वेट करूंगी. अब इसमें बबल आ गए हैं और मैं अब इसे आटे में मिक्स कर दूंगी. आटे में थोड़ा सा नमक ऐड करके मशीन को ऑन कर रही हूँ. इस पॉइंट पे 3 टेबलस्पून ओलिव ऑयल डालूंगी. अब इसे बाउल में डालकर क्लिंग फिल्म से कवर कर रही हूँ. मैं इस डो को तब तक रेस्ट दूंगी जब तक साइज में डबल हो जाए. अगर किचन का टेम्परेचर 25 सेल्सियस हो तो नॉर्मली 30 मिनट्स का रेस्ट इनफ होता है. ट्रे को इस तरह ग्रीस कर लूँगी. इस तरह से डो तैयार हो गई है. इस डो से 3 पिज़्ज़े बनेंगे. अब मैं पिज़्ज़े के लिए बॉल बना लूँगी. इस तरह प्रेस कर लूँगी राउंड पिज़्ज़ा की शेप में. ये मैं पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ. ये पिज़्ज़ा सॉस मेरा होममेड है. आपको मेरे इस पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी इस लिंक पे मिल जाएगी. अब टॉपिंग में टूना फिश डालूँगी. और इस तरह प्याज डाल दूंगी. लास्ट में मोसरेला चीज डाल रही हूँ. ओवन को प्री हीट कर लिया है 250 डिग्रीज पर. अब इसको 10 से 15 मिनट्स के लिए ओवन में पकने देना है. इटालियंस मेजॉरिटी हफ्ते में एक बार ये पिज्ज़ा रेस्टोरेंट में लाजमी खाते हैं. बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिशनल इटालियन टोनो ए चिपोला पिज़्ज़ा बना है. आप भी बनाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसा बना.
उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।